हेलो एवरीवन, आज वीकेंड है और आज हम जा रहे हैं डेंजू। हम जो है 11:30 बजे पहुंच गए थे क्योंकि वो बहरिया टाउन में है तो काफ़ी टाइम लगता है वहाँ पे पहुंचने में। एंड यस, आई एम मॉर्निंग पर्सन, तो हम संडे को भी जल्दी उठते हैं। और फाइनली हम डेंजू पहुंच गए क्योंकि हम काफ़ी जल्दी पहुंच गए थे ना, इसलिए इस वक्त ज़्यादा फैमिलीज नहीं आई हुई थी। ये इनका मेन एंट्रेंस है और यहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। 1000 का जो है वो एडल्ट्स का है और 600 का बच्चों का है। फाइनली हम यहाँ अंदर जा रहे हैं और हमने बहुत इन्जॉय किया था। वैसे अगर बच्चे हों तो वो और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे क्योंकि यहाँ पे जानवरों की बहुत सारी इकसाम है और ख़ास तौर पे जो शेर वगैरह हैं उसकी बहुत सारी इकसाम है जो कराची ज़ू में बिल्कुल देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे शेर देख देख के थक जाएंगे। खाने पीने का भी सही सीन है, काफ़ी सारी चीज़ें अंदर खाने पीने के लिए। और हमने वैसे गोलगप्पे खाए थे और हमने कॉफ़ी पी थी, दोनों चीज़ें अच्छी थी। वैसे काफ़ी ज़्यादा वॉक करनी पड़ी थी। वैसे आप ना इस बगी में भी जा सकते हैं लेकिन जो है इसे आप एक टिकट पे एक ही बार अवेल कर सकते हैं और ना ये लिमिटेड टाइम के लिए रुकती है, तो बाय वॉक शायद ज़्यादा इंजॉय किया जाएगा, लेकिन इसमें भी बैठें ताकि एक एक्सपीरियंस हो इसका भी। तो मेरा जो डेंजू का एक्सपीरियंस था वो तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इंजॉय किया हमने तो। और अब हम जिनसोए आ गए, वॉक कर करके ना हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, इसलिए हम उसकी वीडियो नहीं बना सके, इसलिए खाली प्लेट्स की वीडियो है। वैसे हमने मंगोलियन चिकन खाया था और चाउमीन खाया था, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी थी और भूख में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अगर आप लोग डेंजू गए हैं तो आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं गए तो ज़रूर जाइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। Of mine.